क्या लिखा भाई? भाई पीछे 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 तो यार आप लोगों की बहुत दिनों से यहाँ पे ख्वाहिश थी कि भाई आप क्या करो, कोई हॉन्टेड प्लेस जो है रात में विजिट करो। तो यार हम लोग अभी जिस जगह पर है ना, ये जो है इसके बारे में हमने बहुत अजीब अजीब सी मतलब स्टोरी सुनी है। और हम लोग जिस जगह पर है ना, यहाँ पर है एक हॉन्टेड स्कूल, यानी कि वो स्कूल जो है पहले के टाइम पर चलता था, वहाँ पर पढ़ाई वढ़ाई सब कुछ होती थी। लेकिन यार अचानक से पता नहीं उस स्कूल के अंदर ऐसा क्या हो गया कि अचानक से जो है उसे बंद करना पड़ा। और उसके बाद में जो है यार वहाँ पर ना तो कोई स्टूडेंट अब आता है ना तो कुछ, वो पूरे तरीके से एक तरीके पूरा खंडर हो चुका है। और यार वहाँ पर जो है बहुत सारे गलत काम भी होते हैं, आप लोग समझ सकते हो। तो हमने सोचा कि चलो क्यों ना यार हम लोग जो है रात में आपको वो जगह जो है विजिट कराते हैं। और अभी जो है पूरे तरीके से रात, हम लोग चारों साइड से एक बार व्यू देख लो, यहाँ से जो है देखने पर क्या ही खतरनाक व्यू जो है वो दिखता है। अब हम लोग जो है धीरे धीरे करके यहाँ पे पास में चलते हैं। और बाकी इधर बहुत ज़्यादा झाड़ी भी है तो थोड़ा सा हमें देख के चलना पड़ेगा, क्योंकि यार यहाँ पे जो है जंगली जानवरों का भी बहुत ज़्यादा खतरा रहता है। सांप आराम से, ये सब जानवर तो मामूली यहाँ पे नॉर्मल से ही दिखते रहते हैं। बाकी चलो यार चलते हम लोग देख कर, और अच्छे से देख कर आना, ठीक नीचे एकदम टॉर्च देख कर आना। और आते चलो हम लोग को एक जंगली जानवर दिख गया। और हाँ यार हम लोग जैसे ही यहाँ पर आए थे ना, तो हम लोग को आते ही मान एक जंगली जानवर दिख गया। मैं क्लिप लगा दूंगा, आप लोग देख लेना। और बाकी चलो यार जिधर साइड से रास्ता है ना, हम लोग धीरे धीरे करके उधर से चलते हैं। इधर रास्ता था यार, आ जाओ आगे से। और बाकी सुनो, ज़्यादा मतलब आगे अंदर मत जाना, एकदम देख कर फ्लैश ऑन कर लो, फ्लैश ऑन कर लो। हमने सुना है कि पहले यहाँ पे क्लासेस चलती थी, बच्चे पढ़ने आते थे, सब कुछ यहाँ पे होता था। लेकिन फिर उसके बाद में यार अचानक से यहाँ पे पता नहीं क्या ऐसा कुछ अजीब हो गया कि यहाँ पे जो है ना पढ़ाई एकदम से बंद हुई। मतलब कि ना तो कोई बच्चे आते थे ना कुछ हुआ था, पता नहीं यहाँ पे कुछ ऐसा बहुत ज़्यादा घटना हो गई थी या फिर दुर्घटना हो गई थी। जो भी हो, हम को तो यहाँ पे मतलब अच्छे से क्लियर नहीं पता है, जो हमने सुना है वही आपको बता रहे हैं। और फिर उसके बाद में इसके अंदर जो है सब कुछ बंद हो गया और ये पूरी तरीके से खंडर बन गया। बाकी यार अभी हमें समझ में नहीं आ रहा है कि हम लोग जो है ना इसके अंदर कौन से मतलब कि रूम से जो है यहाँ पे देखना शुरू करें, क्योंकि यार यहाँ पे बहुत सारे रूम है, देख लो तो पूरा वहाँ से लेकर उधर साइड तक पूरा है। और बाकी यार इधर तो कुछ ठीक है, उधर साइड में है यार बहुत ज़्यादा पूरा खतरनाक। एक तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा झाड़ियाँ भी हैं, और उधर का जो रूम है ना वो मतलब कुछ अजीब ही लग रहा है यार, कुछ मतलब वो ऐसा अलग दिख ही रहा है अपने आप में, पता नहीं उसमें क्या है। तो यार देख तो यहाँ पे ये पूरे तरीके से एकदम खंडर हो चुका है। और बाकी यार रात में तो यहाँ पे किसी की भी हिम्मत नहीं पड़ेगी, कोई यहाँ पे गलती से भी नहीं आना चाहेगा। और ब्लैक बोर्ड पे यार कुछ यहाँ पे लिखा भी है। अबे यहाँ पे ना तो कोई बच्चा आता है ना तो कोई आता है, लेकिन इसमें देख सकते हो जैसे छोटे छोटे बच्चे ड्राइंग नहीं करते हैं, यहाँ पे देखो आम आम एक छोटा सा बना हुआ है, जैसे बच्चों की ड्राइंग होती है सेम उसी तरीके से यहाँ पे देख लो क्या क्या ड्रॉ किया गया है। जबकि यहाँ पे ना तो कोई बच्चा आता है, बच्चा क्या यहाँ पे बड़े तक तो आते नहीं है यार, लेकिन यहाँ पे ड्राइंग है। चलो भाई इससे दूर हो जाओ, इससे दूर हो जाओ, चलो। और बाकी यार ये था पूरा एक क्लास। और बाकी इधर साइड में तो कुछ भी नहीं दिख रहा है, एक बार कैमरा दिखा दो, एक बार जाके कैमरा दिखा दो। बाकी उधर ज़्यादा अंदर मत जाना क्योंकि वहाँ पे जानवर भी हो सकता है। पूरा चारों साइड का दिखा दो व्यू भाई साहब, यहाँ से देखो एक बार। है ना यार अभी यहाँ पे जो है कोई ऐसी मतलब आवाज़ आई थी, जैसे लग रहा है कि बाइक के पास में कोई था या फिर कोई बाइक को मतलब कि कहीं पर ले जा रहा था। अच्छे से लॉक कर दो भाई, क्योंकि यहाँ पे कुछ भरोसा नहीं है, क्योंकि यार एकदम सुनसान इलाका है, यहाँ पे ना तो कोई घर है ना तो कोई बंदा है, तो यहाँ पे कुछ भी हो सकता है। तो इसीलिए यार सेफ्टी को देखना चाहिए पहले ही। चलो तो यार हम लोगों ने यहाँ पे डिसाइड किया है कि अब हम लोग जो है यहाँ पे चलते हैं उस क्लास के अंदर जो कि यहाँ पे सबसे ज़्यादा हॉन्टेड, सबसे ज़्यादा मतलब कि उसी के अंदर पैरानॉर्मल एक्टिविटी या फिर कुछ ऐसा अजीब देखा गया है, तो उसी के अंदर हम लोग यहाँ पे चलते हैं। तो यार पहले आप लोग यहाँ पे देखो सामने से, ये हर क्लास से बहुत बुरी तरीके से पूरा एकदम खंडर हो गया है, पता नहीं कैसे ये गिर गया। बाकी क्लास तो यहाँ पे नॉर्मल थे, लेकिन ये वाला जो है ना ये पूरा एकदम अलग ही है भाई साहब, खतरनाक एकदम एकदम खतरनाक। पूरा इसका लुक बाहर से ही दिख रहा है, तो बाकी अंदर चले चले अंदर चलो।
हम लोग जा रहे हैं भाई, हमारे सब क्या हो गया, हम लोग खुद ही नहीं जाएंगे। देख लो यहाँ पे क्या खतरनाक तरीके से पूरा इसे खंडर किया गया है, देख लो भाई साहब। विधानसभा देखे मतलब देख कर आना, बाकी ये सब पूरा गंदे से किस तरीके से ऊपर भी गिर सकता है, इसे देख कर आना। और वहाँ पर क्या लिखा भाई, चमका चमका चमगादड़ था। तो यार इस क्लास के अंदर जो है यहाँ पे कोई भी नहीं आता है, तो इसीलिए यहाँ पे जो है चमगादड़ बहुत ढेर सारे थे। बाकी यार हम लोग यहाँ पे और बाकी क्लासेस में गए थे, लेकिन हमको जो है वहाँ पे कुछ भी नहीं दिखा था। इस क्लास में जैसे ही हमने एंटर किया ना, तो सबसे पहले यहाँ पे जो है चमगादड़ का एक झुंड था, 4-5 चमगादड़ थे, वो आके एकदम हमारे मुँह के पास से गए। हो सकता है कैमरे में थोड़ा बहुत दिखा होगा। और बाकी उसके बाद में इस क्लास के अंदर काफ़ी छोटी सी प्यारी सी चिड़िया है, एक बार इस क्लास में आ जाओ। इस क्लास में दो क्लास है। भाई इधर साइड से पूरा ये गीला कैसे हुआ है, शायद बारिश की वजह से। बाकी की जगह पे तो कुछ नहीं है, ये भी बात सही, उस क्लास में नहीं है। तो अब एक काम करते हैं, फटाफट से इस क्लास से निकलो, उस क्लास में चलो, आगे वाली में। यहाँ पर चमगादड़ है, कुछ है इसमें। देख भाई वो सर पे डर लगे, उधर दिखा, उधर 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 लेफ्ट साइड लेफ्ट। देख रहे हो नीचे, नीचे की हालत देखो, यहाँ पे पता नहीं क्या यार, बॉटल वॉटल सब कुछ पड़ी हुई है, पता नहीं यहाँ पे क्या क्या है। इधर देखो पैकेट, इधर गड्ढा भी है, पता नहीं क्या क्या अजीब चीजें यहाँ पे पड़ी है यार। तो यार बस छोड़ छोड़ इधर से निकलो, जल्दी निकलो जल्दी। अभी हम लोग यहाँ पे बाकी की उधर की साइड जो है ना उसे विजिट कर चुके हैं, और इधर की साइड जो है अभी बच रही है। तो और हमारे पास में यहाँ पे जो है एक घोस्ट डिटेक्टर ऐप है, यानी कि ये ऐप जो है भूत या फिर कुछ ऐसी मतलब कि बुरी चीज़ों को ढूंढ देता है। तो यहाँ पे मैंने ऑन कर दिया है, और इसका जो सारा सेंसर है वो यहाँ पे ऑन हो गया है। अब यहाँ से हम लोग इसे स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे अजीब चीज़ें देखने की कोशिश करते हैं कि यहाँ पे कुछ अजीब दिखता है या नहीं। अगर यहाँ पे कुछ भी अजीब होगा तो वो हमको जो है इस यहाँ पे जो ये छोटा सा रडार दिख रहा है इसके अंदर यहाँ पे एक पॉइंट शो हो जाएगा, अगर कुछ यहाँ पे अजीब या फिर कुछ अगर होगा तो। चलो भाई पास चले। हाँ भाई कहे दूर भाग रहे, वही पे उधर 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 ये नीचे 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 लाइट दिखाओ, लाइट दिखाओ, ये देखो ये यहाँ पर है ये साइड में, इधर देखो यहीं पर नीचे देखो। ऊपर मैं कैमरा कर रहा हूँ, यहाँ कुछ नहीं दिख रहा है, इधर करूँगा कुछ नहीं दिखेगा, यहाँ पे करूँगा गया गायब भाई साहब। तो यहाँ पे देखा यार आपने, यहाँ पे अभी हमको एक सिग्नल मिला था, और उसके बाद में यार जैसे ही हम मतलब ज़्यादा उसे दिखाने की कोशिश करें ना तो वो गायब हो गया। अब पता नहीं इसके अंदर यार ऐसा कुछ अजीब क्या हुआ। बाकी यार तो इसके अंदर हम लोग कुछ भी नहीं कह सकते हैं। तो आ जाओ यार बाकी की चीज़ें, और हम लोग थोड़ा सा विजिट करते हैं। और ये देखने के बाद में यार जो हालत है वो तो सच में पूरी एकदम ख़राब हो गई है, क्योंकि यहाँ पे ये ऐप भी बता रहा है कि यहाँ पे कुछ अजीब चीज़ है। चलो थोड़ा सा और यहाँ पे मूवमेंट करते हैं, आप चलना है वहाँ पे। ये डिटेक्ट किया, ये पॉइंट, ये बाइक के ऊपर देख रहे हो, बाइक पर है। तो यार यहाँ पे आप लोग क्लियरली देख रहे हो कि बाइक के पास में यहाँ पे कुछ डिटेक्ट कर रहा है। बाकी यार अब तो यहाँ पे हालत ख़राब हो रही है भाई, देखो ये गया। और बाकी यहाँ पे देख लो चारों साइड में कुछ भी नहीं दिख रहा है। यहाँ पे बाइक के पास में एक बार डिटेक्ट हुआ, यानी कि हमारी बाइक के ऊपर कोई बैठा था। आपने इसके अंदर भी देखा होगा पूरा साफ साफ। बाकी आप भैया तो यहाँ पे हालत बहुत ख़राब होने वाली है। एक यहाँ पर क्या है जी, तो यार देख लो यहाँ पे क्या क्या काम भी होते हैं। तो यहाँ पे हमें जल्दी से निकलना भी पड़ेगा,
देख रहे हो ये है, आप लोग देख ही सकते हो, समझ जाओगे आप लोग देख के। तो यहाँ पे यार ये सब काम भी होते हैं, तो हमें यहाँ पे जल्दी से फटाफट से शूट करके निकलना पड़ेगा, नहीं तो फिर कांच फूट हो रही है। यहाँ पे बार बार पता नहीं क्यों ये है, यहाँ पे दो बार डिटेक्ट हो चुका है अभी। एक बार हुआ था यहाँ पे एकदम एग्जैक्ट इसी सेम पोजीशन पे, और फिर से यहाँ पे देख लो डिटेक्ट हो रहा है। देख के भाई कांच ना लग जाए, भाई कांच ना लग जाए यार। पीछे पड़ गई भाई यार, ये देखो ये पीछे बार बार यार हमारे लोग के पीछे यहाँ पे डिटेक्ट कर रहा है। बाकी चलो भाई इधर वो इधर पीछे ही है, पीछे आ जाओ भाई यहाँ पे। तो यार यहाँ पे हमारे बाबरा पीछे दिखा रहा था, तो हम लोग यहाँ पे पीछे देखेंगे ही नहीं यार, क्योंकि जैसे ही पीछे देखो ना कुछ दिखता है, और बार बार पता नहीं क्यों पीछे ही दिख रहा है। तो यहाँ पे क्लास के अंदर देखते हैं, शायद किसी कोने में कोई सिग्नल हमें मिल जाए। वहाँ पर बोर्ड के पास चलते हैं, बोर्ड के पास। तो आप लोग यहीं पे रहो, आप लोग को स्क्रीन दिख रही होगी, बोर्ड के पास ये विंडो के पास ये विंडो वो देखो एकदम विंडो के साइड में। भाई साहब बंद करो, ठीक है बंद करो, बंद करो, भाग भाग धीरे से बंद करो। आप कुछ भी करना पड़ेगा यहाँ पे, एकदम भूत बाहर निकलो देना करोगे। यहाँ पर यार आप लोग देखते रहो, पता नहीं यार बार बार यहाँ पे बहुत ज़्यादा अजीब अजीब सिग्नल मिल रहा था। और यार अब हम लोग यहाँ पे फटाफट से निकल लेते हैं, क्योंकि टाइम बहुत ज़्यादा हो गया है। आराम से चलाना भाई, देखकर 12:30 एक के करीब हम एक तो बज रहा। यार हम लोग यहाँ पे आधी रात में आए थे, क्योंकि यहाँ पे जो है आधी रात में कुछ बाकी इसके अंदर का कोई सिग्नल मिलेगा चलते चलते तो हम लोग आपको दिखाने की कोशिश करेंगे। अभी तक तो यहाँ पे सब नॉर्मल है, क्योंकि हम लोग वहाँ से निकल रहे हैं, वहाँ बार बार जो है कोई ना कोई सिग्नल मिले जा रहा था। लेकिन अभी हम लोग बाइक पे हैं, तो देखो अभी से अंदर कोई भी सिग्नल नहीं दिख रहा है। हुआ भाई पीछे 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 ही पीछे पीछे ही पड़ गए, पीछे लगता है पीछे पड़ गया यार। देखो एकदम से देखो यहाँ पे एकदम एग्जैक्ट हमारे पीछे पॉइंट दिखा रहा है, यानी कि यहाँ पे पीछे जो है एक सिग्नल डिटेक्ट हुआ है। देख आराम से अब एकदम सामने हो गया। ये देखो ये एकदम हमारे सामने, वाह भाई साहब एकदम सामने देख रहे हो, पीछे ही पड़ गई यार ये तो। गया गया सिग्नल, मतलब जैसे ही थोड़ी दूर हम लोग यहाँ से होते हैं गया सिग्नल। एकदम फ्रंट पे आ गया आराम से देख कर भाई।